ये कहानी है एना की, जो डॉक्टर जो डिस्पेंसा की मेडिटेशन टेक्निक से पूरी तरह से ठीक हो गई थी। एना की शारीरिक स्थिति इतनी खराब थी कि वे व्हीलचेयर से उठ भी नहीं सकती थी, लेकिन केवल 3 हफ्तों के बाद एना अपने पैरों पर चलने और दौड़ने लगी। तो एना की मेडिटेशन टेक्निक में ऐसी क्या खास बात थी जिससे उनकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई थी? चलिए जानते हैं एना के ठीक होने की पूरी कहानी। एना की बॉडी प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस से डायग्नोस हुई थी, जो बहुत ही दुर्लभ और गंभीर बीमारी है। ये बीमारी एक ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है और ना ही ये एक तरह की इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। एना का नर्वस सिस्टम डिजेनरेट यानी किसी वजह से खराब होने लग गया था और इस डायग्नोसिस के लिए उनकी उम्र बहुत कम थी। डॉक्टर्स परेशान हो चुके थे और एना भी परेशान हो गई थी, क्योंकि वो एक एथलीट थी। वे सर्फिंग करती थी और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। एना की 4 साल की बेटी है, लेकिन इसके बावजूद भी एना हमेशा एनर्जी से भरी रहती थी। और जब अचानक से चीज़ें बिगड़ने लगी थी, तब उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट करने का फैसला किया, क्योंकि उस वक्त वे ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उन्हें अपनी बीमारी के कई लक्षण दिखने लग गए थे और वे कई सालों से डॉक्टर से मिली भी नहीं थी। जब एना अपनी बेटी की उम्र की थी, तब उनके पिताजी को ब्रेन कैंसर हो गया था और अभी फिलहाल उनकी माँ ALS की बीमारी से जूझ रही हैं। तो वे हेल्थी बैकग्राउंड से बिल्कुल नहीं आई थी और इसीलिए वे बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि वे इतनी जल्दी मरकर अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहती थी। एना को अपने रोज़मर्रा के कामों को करने में भी परेशानी होती थी और जैसे ही वे डॉक्टर से मिली, तो डॉक्टर्स ने कहा कि वे इसमें उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। और तब एना और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। वेस्टर्न मेडिकल की दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं था और अगले कुछ महीनों तक एना गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। उस वक्त एना बहुत गुस्सा करती थी और उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उनको एक केयर टेकर यानी एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उनका ख्याल रख सके। उस घर में एना कुछ भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि उस घर में बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, तो जल्दी से उन्हें नए घर में शिफ्ट होना था और 1 महीने तक वे अपने बेडरूम में फंस चुकी थी। उस घर में एना नीचे वाले फ्लोर में रहती थी और उनका पार्टनर उनके ऊपर वाले फ्लोर में रहता था। कभी कभी ऐसा होता था कि उनका पार्टनर एना को भूल जाता था और एना को कई घंटों तक बिना पानी और बिना खाने के रहना पड़ता था, जिससे वे और भी ज़्यादा परेशान हो जाती थी। एना को अपने कामों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता था। केवल 3 महीने पहले एना ने डॉक्टर जो डिस्पेंसर को फॉलो करना शुरू किया था और उन्होंने खुद में कुछ अंदरूनी बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया था। उनकी ज़िंदगी बिल्कुल वही थी, उनकी बीमारी के लक्षण बिल्कुल वही थे, केवल एक चीज़ के अलावा सब कुछ बिल्कुल वही था। और उनकी ज़िंदगी में ये बदलाव आया था कि एना ने सच में अपनी ज़िंदगी से प्यार करना शुरू कर दिया था। एना के अंदर ऐसे बदलाव आने लग गए थे कि उन्होंने अपनी बीमारी से परेशान होना बंद कर दिया था और एना इस तरह से सोचने लगी थी कि उन्होंने केवल अपने आशीर्वाद को देखना शुरू कर दिया और वे अपने वर्तमान में जीने लग गई थी। एना हर चीज़ को अप्रिशिएट करने लगी थी और अपनी व्हीलचेयर में बैठकर भी उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था कि उनके पास कृतज्ञ महसूस करने के लिए कितना कुछ है। एना ने कुछ समय अपने घर से बाहर बिताना शुरू किया। कुछ घंटों तक वे प्रकृति की सुंदरता की तारीफ करती थी और गार्डनिंग करके वे ठीक होने लगी थी। एना पूरा दिन अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करती थी। तब उन्होंने और उनकी मां ने फरवरी 2022 में रिट्रीट यानी उपचार की प्रक्रिया के लिए कैनकन इवेंट में रजिस्टर किया और वहां पर एना डॉक्टर जो डिस्पेंसर से मिली। शुरू के कुछ दिन वहां तक पहुंचने के लिए एना बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ महसूस कर रही थी। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मेडिटेशन के दौरान वे ठीक होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डॉक्टर जो कहते हैं कि जब आप ठीक होने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब आप अपने अंदर उसकी कमी को दर्शाते हैं, तो ये काम नहीं करता है। कुछ दिनों के बाद एना ने अपनी बीमारी से ठीक होने के बारे में सोचना बंद कर दिया था। एना बस अपनी व्हीलचेयर में बैठकर इधर उधर जाने लगी और लोगों से मिलने लगी। उन्होंने बस अपनी ज़िंदगी को जीना और अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर दिया था। एना वहाँ बहुत अच्छा वक्त बिता रही थी, अपनी ज़िंदगी के हर एक पल को खुशी से जी रही थी। और तब उन्होंने महसूस करना शुरू किया कि इस तरह से भी ज़िंदगी जिया जा सकता है। एना को अपनी ज़िंदगी से प्यार होने लगा था। वो रिट्रीट का शायद 4th या 5th दिन था जब उन्हें वॉकिंग मेडिटेशन सिखाया जा रहा था और एक सुबह ऐसा हुआ कि एना सच में थोड़ा चल पा रही थी। एना को बस अपनी छड़ी और केवल एक सहारे की ज़रूरत थी जो उन्हें चलने में मदद कर सके।
और एना बहुत ही अस्थिर तरीके से धीरे धीरे चल रही थी। उसी सुबह एना को खुद का भविष्य यानी उनका फ्यूचर सेल्फ उनके सामने दिखने लग गया था, जो उन्हें सहारा दे रहा था और आगे बढ़ने के लिए उनका उत्साह बढ़ा रहा था। एना को महसूस होने लगा कि उनका भविष्य उनके पास आकर उनके बगल में खड़ा है और उनसे कह रहा है कि बस बहुत हो गया, अब तुम्हें इस व्हीलचेयर की जरूरत नहीं है। ये व्हीलचेयर अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बिल्कुल नहीं है और आज से ही तुम्हें इससे दूर रहना है। तब एना ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो रिट्रीट के बाद जब कुछ हेल्पर्स एना को बीच पर ले जाने के लिए व्हीलचेयर लेकर आए, तब एना ने उनसे कहा कि उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है और लहरों और सूरज का मजा लेते हुए उनके हेल्पर्स कैरी और जॉन की मदद से एना ने बीच पर चलना शुरू किया। इसके बाद एना वापस अपने बेडरूम में चली गई। फिर उनके हेल्पर ने उस व्हीलचेयर को उनके रूम में लाकर रख दिया और वो आखिरी दिन था जब एना ने उस व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया था। एना कहती है कि जो वो रिट्रीट था यानी जहाँ पर उन्हें रखा गया था, वो एक बड़े रिजॉर्ट की तरह था। वहाँ सभी चीज़ें बहुत दूर थी और वहाँ बहुत चलना पड़ता था, लेकिन अब एना को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। चलना उनके लिए अब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं रही थी। अब एना बड़े आराम से छड़ी की मदद से हर दिन चलती थी और कभी कभार ऐसा भी होता था कि वे अपनी छड़ी के बिना भी चल लेती थी। एना के लिए ये एक बहुत बड़े जादू की तरह था। फिर उसी दिन रात में उनका दूसरा वॉकिंग मेडिटेशन सेशन हुआ और वहाँ एना के हेल्पर कैरी उनकी मदद के लिए खड़े थे। खड़े होने वाले हिस्से के समाप्त होने के बाद उन्हें चलना शुरू करना था। तब एना के दिमाग में डॉक्टर जो डिस्पेंसा की बात गूंजने लगी, जब उन्होंने कई बार बताया था कि हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब आप किसी को अपने अंदर समाने के लिए बुलाते हैं जो चलने में आपकी मदद कर सके। और एना ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रही थी क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों ये सब एना के साथ अपने आप होने लग गया था, क्योंकि वे बहुत खुश और परम आनंद को महसूस कर रही थी। कोशिश ना करते हुए और ना चाहते हुए भी एना अपने आप ठीक होने लगी थी। एना को ऐसा महसूस होने लगा कि उनका भविष्य यानी उनका फ्यूचर सेल्फ उनके अंदर समा रहा है। एना ने देखा कि कैरी उनकी छड़ी लेकर चलने में मदद करने के लिए उनके पास आ रहे हैं, लेकिन एना ने तुरंत उस छड़ी को वहां से हटा दिया और वे बहुत तेजी से चलने लगी। वो नज़ारा बहुत ही अद्भुत था और उसके बाद से जिस भविष्य को वे देखती थी अब वो वही बन चुकी थी। अब एना ठीक हो रही थी तो उन्होंने अपनी छड़ी को फोल्ड करके सूटकेस में रख दिया और दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया। एना हर दिन चलती रही और वे आज भी बहुत तेजी से चलती हैं। ये उनके लिए एक जादू से कम नहीं था। और इसके बाद एना घर आ गई। ये सब उनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो चुका था क्योंकि उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि जो वे पहले थी वो कहीं ना कहीं एना के अंदर छिपकर बैठी थी। और घर आने के बाद एना को अपने पुराने दिन याद आ रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि उनके अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो एना को उस मेडिटेशन प्रैक्टिस से प्राप्त हुई थी और वो इन सभी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। एना हर दिन में दो बार मेडिटेशन प्रैक्टिस करने लगी। फिर एना ने एक थेरेपिस्ट को ढूंढा जो उनकी मसल्स और न्यूरोलॉजिकल टिश्यूज को और मजबूत बनाने में मदद कर सके। एना हर दिन खुद को प्रेजेंट मोमेंट में रखने की कोशिश करती थी और अपनी छोटी से छोटी जीत की तारीफ करती थी। एना कभी इस बात पर ध्यान नहीं देती थी कि वे ठीक नहीं है। वे हर दिन सोचती थी कि उन्हें खुद पर विश्वास है, उन्हें अपने शरीर पर विश्वास है, उन्हें अपने काम पर विश्वास है और जैसा वे महसूस कर रही हैं वैसा सच में हो रहा है। क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त एना कैसा महसूस कर रही थी। 3 हफ्ते पहले एना व्हीलचेयर से नीचे नहीं उतर पा रही थी और आज वे इतनी तेजी से चल पा रही हैं। एना कहती है, डॉक्टर जो डिस्पेंसा हमेशा उन सब से कहते आए थे कि कभी भी 1 या 2 दिन तक मेडिटेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद ठीक होने की उम्मीद कभी मत रखना, क्योंकि इसके लिए निरंतर अभ्यास और समर्पण की जरूरत होती है। एना कहती है, बहुत सारे लोगों को देख लो या फिर आप उन्हें ही ले लो कि उनको ठीक होने के लिए 3 महीने तक लगातार मेडिटेशन प्रैक्टिस करना पड़ा और ये काम करता है, ये सच में काम करता है। तो जब आप एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं जहाँ कुछ भी निश्चित नहीं होता कि आप सच में ठीक होंगे, जब 1 या 2 महीने के बाद फिजिकली आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखता है,
लेकिन तब भी जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, दृढ़ता के साथ अपने काम पर लगे रहते हैं, क्योंकि वो जो हीलिंग है या लक्ष्य है या फिर जिस भी तरह का बदलाव आप अपने शरीर में लाना चाहते हैं, तब वो बदलाव हकीकत में होने लगता है। और ये ऐना के लिए बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने दिन में ठीक हो सकते हैं। ऐसा ऐना के साथ भी हुआ था और ऐसा सबके साथ होता है कि हीलिंग या अपने शरीर में किसी भी तरह के बदलाव को हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि कोई और हमें ठीक कर सकता है। हम किसी समारोह का इंतजार करते हैं, किसी तरह के पौधे या दवाई के भरोसे रहते हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति, गुरु या लाइफ कोच के तलाश में लगे रहते हैं, और इसी तरह से हम ठीक होने के लिए किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन इस टेक्निक को प्रैक्टिस करके हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस बदलाव को हम महसूस करना चाहते हैं वो हमारे अंदर है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हम सबके अंदर अद्भुत शक्ति है और आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करना आसान है? बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा करना मूल्यवान है? 10,00,000% हाँ। ऐना कहती है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये कहानी दृढ़ता के साथ मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के लिए आप सभी को बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगी और आप हर दिन कृतज्ञता महसूस करेंगे, खास करके उन दिनों में जब आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं, जब आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत बेकार है और आप बहुत दुखी महसूस करते हैं, क्योंकि उन दिनों में मेडिटेशन प्रैक्टिस करना और अपनी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए कृतज्ञता महसूस करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जब आप इसे हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, तब एक दिन आपके शरीर में अच्छे बदलाव आने लगते हैं, आपका मन बदलने लगता है और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। अपने शरीर को पूरी तरह से ठीक करने का ये बहुत ही अद्भुत तरीका है और हम सब इस जादू के काबिल हैं, क्योंकि जितना आप खुद को समझते हैं, आप उससे भी कहीं ज़्यादा मजबूत और बहादुर व्यक्ति हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।